नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। ये बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की, और मैं आपके साथ विनोद कुमार। शेरघाटी बस स्टैंड की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आपको बता दें, शेरघाटी शहर की बस स्टैंड की हालत बद से बदतर होती जा रही है। शेरघाटी बस स्टैंड से प्रति साल 53 लाख रुपये का राजस्व टैक्स वसूला जाता है। 53 लाख रुपए के बावजूद भी सुविधा नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ पर ना तो यात्रियों के लिए सही से बैठने की कोई उचित व्यवस्था की जाती है, बल्कि यहाँ पर कूड़ा कचड़ा अधिक होने से यात्रियों को परेशानी होती है। बस स्टैंड में अधिक कीचड़ होने के कारण ज़्यादा तरह से बसें मुख्य सड़क पर ही लगाई जाती हैं, जिसके कारण किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। शेरघाटी से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज़ टीवी। अभी शेरघाटी बस स्टैंड पर है, और शेरघाटी बस स्टैंड का क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। बिल्कुल जितना गाड़ी है, कचरा में पानी होने के बाद भर कम्बर पानी हो जाता है, और कोई नगर पंचायत का ध्यान नहीं है। अभी नगर परिषद हो गया है। आखिर सालाना 53 लाख रुपए लिया जाता है, टेंडर होता है, क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोग शेरघाटी बस स्टैंड के एजेंट हैं, और हम लोग आज कई साल से यहाँ हैं, लेकिन अभी तक शेरघाटी बस स्टैंड की स्थिति नहीं सुधरी है, नरकीय बनी हुई है। 75 रुपये ठेकेदारी दिया जाता है बस का। अच्छा, लेकिन आज तक इस पर ना कोई विचार सरकार ने किया, और ना ही नगर परिषद, जबकि नगर पंचायत का नगर परिषद हो गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। महिलाएं उतरती हैं तो भर खादों में उतरती हैं। देखिए आप, शेरघाटी की स्थिति नर्क बनी हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं, और नगर परिषद से मांग करता हूं कि शेरघाटी बस स्टैंड की स्थिति को सुधारा जाए। यहाँ के इतने लोकल विधायक हैं, मंजू अग्रवाल से ही मांग करता हूँ कि वो आके देखें कि हम लोग किस स्थिति में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है काजो जी, शेरघाटी बस स्टैंड एजेंट। आप देख सकते हैं, काजो जी बस स्टैंड के एजेंट हैं, और पूरा कचरा का अंबार है यहाँ पर। आप क्या करते हैं? मैं बस कंडक्टर हूँ। क्या कहिएगा, बस स्टैंड का स्थिति सबसे दयनीय है। स्थिति एकदम बिल्कुल दयनीय। न यहाँ यात्री प्रभाव है, और न यहाँ जहाँ से यात्री बस ठहरने की जगह है, एकदम कचरा में, बिल्कुल कचरा बना हुआ है बस स्टैंड शेरघाटी। एक भी बस लगने की यहाँ जगह नहीं है। यहाँ बस में एकदम कीचड़ है, पानी भरा हुआ है, और यात्री लोग के ठहरने की जगह नहीं है। यहाँ का कार्यपालक पदाधिकारी और चेयरमैन की स्थिति देख करके काम को करवाना चाहिए, लेकिन वो लोग एकदम सूते हुए निकल नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। तो आप देख सकते हैं, यात्री शेड भी नहीं है आम जनता को ठहरने के लिए। हम कैमरामैन से कहेंगे यात्री शेड दिखाया जाए। खंडर बना हुआ है बिल्कुल, मतलब एकदम खंडर में तब्दील हो गया। फोड़ के रख दिया है। हाँ, क्या कहना है आपका, बताइए। मेरा क्या नाम है कि यहाँ आम पब्लिक बैठा है, तो ये कब गिर जाएगा कोई नहीं देखने वाला। अच्छा, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो बहुत बड़े नेता लोग आके यही कहेंगे कि ये जार्ज था, हमको पता नहीं था। अच्छा, ये नगर पंचायत से 53 लाख 52 लाख का ठीका होता है। जरा सा भी नगर पंचायत के भी कोई भी अफसर यहाँ आकर देखते नहीं कि स्टैंड इतना कचरा है, पानी जमा हुआ है, ये धर्मशाला कब गिर जाएगा कोई पता नहीं है। क्या करते हैं आप? हम व्यापारी यहाँ काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मिठाई का दुकान पर रहते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार गुप्ता। ये थे पंकज कुमार गुप्ता। आप देख सकते हैं सारा मिठाई दुकान यहाँ पर है। ये कब गिरेगा किसी टाइम भी जान जा सकता है, बिल्कुल देख सकते हैं।